Hello friends, this is Santoshi and welcome to Let's Know. In this video, we will discuss about longitudinal and cross-sectional approaches of understanding development. Before start this video, I am requesting you all please like and share this video. If you are watching my channel for first time, then do subscribe. Let's start. इस वीडियो में हम जानेंगे longitudinal and cross-sectional approaches क्या हैं, इसके क्या merits and demerits points हैं. So first of all, what is longitudinal approach? A longitudinal approach is an observational research method in which data is gathered for the same subjects repeatedly over a period of time. Means यह एक research method है जिसमें एक ही subject के ऊपर repeated times information इकट्ठा किया जाता है एक specific time period के लिए. Longitudinal projects can extend over years or even decades. In a longitudinal study, the same individual are observed over the study. इसका मतलब ये है कि ये रिसर्च कई साल तक चलता है और इसमें एक ही सब्जेक्ट को बार बार स्टडी किया जाता है. Now, what is cross-sectional approach? A cross-sectional approach is a type of research design in which we collect data from many different individuals at a single point of time. That means cross-sectional approaches का यूज तब होता है जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिफरेंट एजेस के बच्चों को स्टडी किया जाता है. उनके फैमिली, फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट, इन सब के बेसिस पर यह स्टडी होता है. Longitudinal approaches के मेरिट पॉइंट ये हैं कि यह हमें एग्जैक्ट डेटा देता है और ये चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टडी करने में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है. इसका डिमेरिट्स ये हैं कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. रिसर्चर को वेट करना पड़ता है कि कब बच्चा नेक्स्ट स्टेज में जाएगा और वहाँ से जो चेंजेस होंगे वो सारे डाटा वो रिकॉर्ड कर पाएंगे. और अगर रिसर्च टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले बच्चा एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाता है तो फिर वो रिसर्चर से दूर हो जाता है. इस वजह से उन दोनों में इतना कोऑपरेशन नहीं हो पाता है. क्रॉस-सेक्शनल अप्रोचेस के मेरिट्स पॉइंट्स ये हैं कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है और ये इंस्टेंट रिजल्ट भी देता है. यहाँ पर माइग्रेशन, एनवायरनमेंट चेंज जैसा कोई इशू नहीं है. इसके बावजूद भी इसके कुछ डिमेरिट्स पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर ये स्टडी 1 से 10 साल के बच्चे के ऊपर किया जा रहा है तो फिर अभी जो बच्चा 1 साल में है उसे जो सुविधाएँ मिल रही हैं वो सुविधाएँ उस 10 साल के बच्चे को 1 साल के होने पर नहीं मिले होंगे. इस वजह से इस दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होंगे. तो यहाँ पर हमें ये समझ आया कि लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी लॉन्ग टाइम तक चलता है और बच्चा जो है सेम रहता है, उसी बच्चे के ऊपर सारा स्टडी रहता है. और क्रॉस-सेक्शनल स्टडी ग्रुप में होता है, 2 से 3 साल, 3 से 4 साल, 4 से 5 साल, ऐसे कई सारे ग्रुप में बच्चों को लिया जाता है और उन डिफरेंट एजेस के बच्चों में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये सब कुछ ऑब्जर्व किया जाता है. यहाँ पर एक ही टाइम में सारे ग्रुप्स को ऑब्जर्व किया जाता है और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में एक ही एज के बच्चे को अलग अलग स्टेजेस में ऑब्जर्व किया जाता है. ये दोनों अप्रोच हमें बच्चों को समझने में, उनमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, कैसे विकास हो रहे हैं, ये सब कुछ को समझने में मदद करते हैं. इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है. वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें. चैनल में अगर नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.